तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस। इन दोनों लैंग्वेजों में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, जबकि दोनों लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तब भी इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा जावा एंड सी प्लस प्लस में है। ओके, तो इसके डिफरेंस को हम देखते हैं। अब जावा इज डेवलप्ड बाई जेम्स कोसली, जावा को डेवलप जेम्स कोसली ने किया था। ओके, और सी प्लस इज डेवलप्ड बाई बिजॉर्न स्ट्रॉसरप ने इसे किया था। ओके, इन जावा मस्ट बी एटलीस्ट वन क्लास, जावा में एटलीस्ट वन क्लास होना ही चाहिए, बिना क्लास के आप जावा में प्रोग्राम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं। ओके, इन सी प्लस प्लस वी कैन राइट ए प्रोग्राम विदाउट ए क्लास, जबकि हम सी प्लस प्लस में बिना क्लास के हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, बट जावा में ऐसा नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वन क्लास तो चाहिए ही। जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, जावा फाइल हैव एक्सटेंशन डॉट जावा और सी प्लस प्लस फाइल हैव एक्सटेंशन डॉट सीपीपी। ओके, जब भी आप नोट पैड में जावा प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके नेम सेव करते समय क्लास नेम डॉट जावा एक्सटेंशन का यूज करिएगा, जबकि सी प्लस प्लस में डॉट सी पी पी का यूज करिएगा, एक्सटेंशन इसका ही है। ओके, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर आप प्लेटफॉर्म पे जावा डिपेंड नहीं करता है, कहीं भी आप लिखो प्रोग्राम को, कहीं भी रन रन करो, इट डजेंट मैटर वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि विंडो हो, मैक हो, लिनक्स हो, कोई भी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, बट सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है कि किस प्रोग्राम में आप कहाँ पे इसे कंपाइल किए, कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है सी प्लस प्लस में, बट जावा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, और भी इसके कुछ डिफरेंसेस है ये भी हम देखते हैं। सोर्स कोड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू मशीन कोड बाय कंपाइलर। ओके, ये सी प्लस प्लस में ऐसा होता है कि जो सोर्स कोड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, एग्जीक्यूटिवल कोड में। ओके, ये सी प्लस प्लस में ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको उधर हमने कर दिया यहाँ पे। जबकि सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इंटू बाइट कोड बाई कंपाइलर, देन बाइट कोड इज कन्वर्टेड इंटू मशीन कोड बाई जावा इंटरप्रेटर। जावा में सबसे पहले सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर के थ्रू से। ओके, देन बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है जावा इंटरप्रेटर के थ्रू से, और जो मशीन कोड वही होता है एग्जीक्यूटिवल कोड होता है। ओके, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे, ये पार्ट इधर जावा का है जबकि इधर सी प्लस प्लस का है। ओके, यहाँ पे थोड़ा ये डिफरेंस हो गया था, जबकि ये वाली सेम पिछली तरह चलेगा। कॉल बाय एड्रेस डज नॉट सपोर्ट इन जावा, जो कॉल बाय एड्रेस है वो जावा में सपोर्ट नहीं करता, जबकि कॉल बाय वैल्यू जावा सपोर्ट करता है। कॉल बाय एड्रेस डज नॉट कॉल बाय एड्रेस सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस, कॉल बाय एड्रेस सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस में। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा यूजिंग एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, जो मेमोरी मैनेजमेंट है जावा में वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर के थ्रू उसे रिलीज किया जाता है या फ्री किया जाता है, जबकि सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम मैनुअली कोड राइट करते हैं। जैसे कैलोक मेलोक में आप एक पढ़े होंगे वहाँ पे फ्री कीवर्ड के बारे में, फ्री कीवर्ड वही मेमोरी को फ्री करने का काम करता है, जबकि जावा में ऐसी कोई नीड नहीं है, ऑटोमेटिक जावा गार्बेज कलेक्टर ये काम करता है, ऑटोमेटिक मेमोरी को फ्री करने का काम करता है। ओके, इन जावा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, जो जावा है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ओके, जबकि सी प्लस प्लस मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस थे, आई होप आपको ये समझ आया।